दोस्तों पाकिस्तान में इमरान खान आज़ाद तो हुए हैं, लेकिन अभी मामला ठंडा नहीं पड़ा है। उनकी फिर से कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, देश फिर से उबल सकता है। लेकिन पाकिस्तान में चल रहे घमासान के बीच एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया है और उसने अमेरिका के साथ भारत की भी नींद उड़ा दी है कि जो जनता पाकिस्तान के आर्मी बेस उड़ा सकती है, जो जनता प्रधानमंत्री तक की आवाज को उड़ा सकती है, उस पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार किन्हीं हाथों में पड़ गए तो फिर क्या होगा। भीड़ पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को अगर न निशाना बना सकती है और कहीं ये हथियार किसी आतंकी संगठन के हाथ लग गए तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। और क्या दोस्तों अब पाकिस्तान इन हथियारों को बेच करके अपने देश की कंगाली मिटा सकता है, ये बड़े सवाल पाकिस्तान में बहुत तेजी के साथ तैर रहे हैं, तो इससे दुनिया भी परेशान हो उठी है। और दोस्तों अगर ये गलत हाथों में चले गए तो फिर भारत और अमेरिका के पास इसे रोकने का क्या प्लान है। और भारत ने एक बार पहले भी इसराइल के साथ मिलकर के ऐसा प्लान बनाया था, तो दोस्तों पाकिस्तान के इन हथियारों को हड़प लेने का वो कौन सा प्लान है, इसे हम डिकोड करते हैं। तो दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि जो पाकिस्तान खुद सेफ नहीं है उसके न्यूक्लियर हथियार कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे भाई साहब पाकिस्तान में इमरान खान तो आजाद हो चुके हैं तो फिर क्यों न्यूक्लियर हथियारों को लेकर के टेंशन है, क्यों उनके ऊपर खतरा बन रहा हुआ है, क्यों अमेरिका और भारत यहां पर घबरा रहे हैं। तो दोस्तों दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान की सड़कों पर जो लोग निकले हैं वो निहत्ते थे, जब इन पर फायरिंग हुई तो ये भीड़ उग्र हो चुकी है और ये ऐसी जनता की भीड़ थी जो भूखी है, जिसे आटे के लिए लाइनों में लग करके मरना पड़ रहा है, ये महंगाई की ताबड़तोड़ किल्लत झेल रही थी। ये उग्र हुई तो इसने कुछ भी नहीं देखा, सब जलाना शुरू कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके आगे अब नेक्स्ट मिशन होगा न्यूक्लियर वेपन्स, और वो भी अब सेफ नहीं है। पाकिस्तान में चरमपंथियों की हालत तो आप खुद ही जानते हैं, जो भारत से कितनी नफरत रखते हैं, लिहाजा वो भारत को निशाना बना सकते हैं। एक बटन दबा और फिर दुनिया में तबाही मचना तय है, क्योंकि भारत खुद न्यूक्लियर पावर से लैस है। और दोस्तों इस वक्त आतंकी संगठन पाकिस्तान की सरकार को गिरा करके इन हथियारों पर कब्जा करने की बहुत तगड़ी मंशा की फिराक में हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को हो सकता है, साथ ही दुनिया के बाकी देशों को भी हो सकता है। पाकिस्तान के पास इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक 165 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर ये हथियार किसी गलत हाथ में पड़ जाते हैं तो तबाही होना तय मानिए। दोस्तों भारत को कहीं ना कहीं इस बात का पहले से ही अंदेशा था, इस लिहाज से यूनाइटेड नेशंस में भी भारत ने यह कहा था कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं वो दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। वही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान एक खतरनाक देश है, उसने बिना मदद के काफी बड़ी मात्रा में परमाणु हथियार इकट्ठा कर लिए हैं। वही अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स तो यहां तक कह रहे हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान के परमाणु हथियार अपने कब्जे में ले लेने चाहिए ताकि कोई इनका गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। अमेरिका की से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2001 से लेकर के 2007 के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की रक्षा के लिए ही $10,000 करोड़ खर्च किए थे। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका को पाकिस्तान के इन हथियारों से डर लग रहा है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के और पाकिस्तान के संबंध बहुत खराब स्थिति में है और चीन वहां पर बड़ा पंगा किए पड़ा है। ऐसे में दोस्तों भारत के साथ साथ अमेरिका की भी टेंशन बढ़ी हुई है। वैसे दोस्तों पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खाक करने के लिए भारत ने इजराइल के साथ मिलकर के एक प्लान बनाया था, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। मैं वो प्लान आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि अब क्या भारत अमेरिका मिलकर इन परमाणु बमों का कुछ कर सकते हैं, क्या पाकिस्तान इन्हें बेच भी सकता है, अगर वो बेचने निकले तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों पाकिस्तान इकलौता इस्लामिक देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एक समय पाकिस्तान को अपने इन्हीं हथियारों का घमंड था और पूरी दुनिया में वो कहता फिरता था कि हम घास की रोटी खा लेंगे लेकिन परमाणु हथियार जरूर बनाएंगे। साल 1965 में अयूब खान ने कहा था कि भारत अगर परमाणु हथियार बनाएगा तो हम घास फूस भी खा लेंगे, भूखे भी सोएंगे, लेकिन हम परमाणु बम जरूर बनाएंगे, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान में पहला परमाणु बम बनाने में सफलता साल 1996 में मिली, जिसका नेतृत्व डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने किया था। ये वही अब्दुल कादिर खान हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बेच करके दुनिया भर से पैसा कमाया और आखिरी वक्त में वो जेल में थे। दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान के पास जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, नॉर्थ कोरिया के पास जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही वहां पहुंची है। और अब आज की डेट में पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि उसे सच में इन्हें बेचना पड़ सकता है और सरकार को विदेशों से कोई भी उम्मीद नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के एक सैन्य अधिकारी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें
कह रहा था कि हम परमाणु हथियार बेचकर पैसे ला सकते हैं। अगर इस वक्त पाकिस्तान की कुल परमाणु हथियारों की खेप की बात करें तो उसके पास 165 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। अगर हथियारों की कीमत को $270 मिलियन भी मान लिया जाए तो पाकिस्तान के परमाणु हथियार $44,570 मिलियन की कीमत की हैं। हालांकि परमाणु हथियारों की कीमत मारक क्षमता और क्वालिटी पर भी डिपेंड करती है। इस लिहाज से पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी रूप से किसी देश को बेचे तो मौजूदा कर्ज $27,400 मिलियन का कर्ज तुरंत उतार सकता है। पाकिस्तान अपने बनाए परमाणु बमों को धीरे धीरे ऐसे अनसेफ कंट्रीज को बेचना शुरू कर सकता है जो शायद दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं, और ये फिर दुनिया भर से उगाही करने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान इन हथियारों को बेचेगा कैसे? तो पाकिस्तान अपने हथियार उन देशों को बेचने की पेशकश कर सकता है जिनके पास पहले से न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं, यानी कि यूएई, ईरान, सऊदी अरेबिया और तुर्की। दोस्तों, खबर अंदर खाने ये है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर के तुर्की न्यूक्लियर बम बनाने में लगा हुआ है, तो वहीं इस्लामिक देश सऊदी अरब सबसे पहले पाकिस्तान को पेशकश कर सकता है, लेकिन ये अंडर टेबल होगा। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो आसानी से एक दूसरे देश से चली जाए। और दोस्तों, इन चीजों के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए इमरजेंसी प्लान भी बना रखा है। इस प्लान का नाम है स्नैच एंड ग्रेब, यानी कि हथियारों को छीन कर उन्हें अपने कब्जे में ले लो। वैसे दोस्तों, एक ऐसा ही प्लान भारत ने भी बनाया था, वो पूरा भी हो जाता अगर उस समय इंदिरा गांधी अपने हाथ पीछे ना खींचती। उस प्लान में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी साथ देने वाली थी। दरअसल दोस्तों, जब 1980 में इंदिरा गांधी फिर से सत्ता में आई तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि परमाणु बम बनाने से अच्छा है कि पाकिस्तान के कहुता वाले एटम बम की लैब को ही उड़ा दिया जाए। भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजराइल की मदद से पूरी प्लानिंग तैयार कर ली। प्लान ये था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को भारत के वेस्ट बॉर्डर पर एंगेज कर दिया जाए। इसी बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पाकिस्तान की कहुटा वाली लैब को उड़ा देगी। प्लान ये था दोस्तों कि इसराइल के C-17 विमान, जो कि जम्मू कश्मीर के इलाकों में आते जाते वहां विस्फोटकों से लदे हुए F-16 विमान जो कि अमेरिका के थे, उनका इस्तेमाल करते, और वही F-16 विमान जिनका इसराइल ने इराक के रिएक्टर्स को उड़ाने में इस्तेमाल किया था, और जम्मू कश्मीर से उड़ान भरते हुए ये पहाड़ी इलाकों से बसते हुए, रडार की पहुंच से बसते हुए पाकिस्तान के इलाकों में घुसते और कहुता की लैब को उड़ा देते। लेकिन आखिरी वक्त में F-16 विमानों के इस्तेमाल की खबर अमेरिका तक लीक हो गई और अमेरिका ने दबाव बना दिया और इसके बाद ये मिशन ही रोकना पड़ गया। हालांकि दोस्तों, आज अमेरिका शायद उस बात को लेकर के पछता रहा होगा। हालांकि दोस्तों, अब ये खेल काफी दिलचस्प हो चुका है। हमेशा से इंडिया को टारगेट करने वाला पाकिस्तान अब कुछ दिनों में ही नई कहानी बन सकता है, और उसके कई टुकड़े होना तो लगभग तय माना जा रहा है।